नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 27-28 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर, सिर्फ 7 पेज का होता है और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, इसका पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एशियन गेम्स चाइना के यहाँ पे चले हुए हैं और देखिए ये जो चारों खिलाड़ी हैं ना, इनका बस नाम याद रख लेना कि भाई ये शूटिंग गेम से संबंधित है। मेडल क्या कुछ जीता है इतना कुछ खास नहीं। हाँ, कोई खिलाड़ी अगर पहली बार या भारत को पहली बार उस फील्ड में गोल्ड मेडल मिलता है या कोई भी मेडल पहली बार मिलता है तो वो पेपर में पूछा जाता है। नो नीड टू वरी, गेम खत्म होने दो और अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में। देखिए 20 साल पूरे हो गए ये जो कंसेप्ट है इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का, तो इसे कंसेप्चुलाइज किया जाता है 2003 में और इसका मेनली टारगेट होता है कि गुजरात को इकोनॉमिकली और सोशली मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बनाना 2030 तक का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कर्नाटक में पड़ती है और फर्स्ट ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ इंडिया की। ठीक है, बालसम के बारे में गाइज बात करें, फ्लावरिंग प्लांट है, लोकली इसे कासी थुम्बा और ओनापुवू के नाम से जाना जाता है और इसे टच मी नॉट के नाम से भी पहचाना जाता है। ये कहां पे पाया जाता है? इंडिया में देखने को मिलेगा, चाइना में, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिलेगा और मेजर इंडिकेटर स्पीसीज है क्लाइमेट चेंज की, अगर हम यहां पर बात करें। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे देखिए सरकोफेगस। देखिए सरकोफेगस क्या है? देखिए सरकोफेगस के बारे में गाइज बात करें, एक कंटेनर सा होता है। ठीक है, पिक्चर भी शौक देख लेना एक बार सर्च करके अगर शौकीन है देखने के। एक कंटेनर सा होता है जिसमें कॉफिन या डेड बॉडी जो है ना, कफिन या डेड बॉडी, मतलब सीधी सी बात है भाई, इजिप्ट और ग्रीस जो है ना, वहाँ पे जो मम्मी होते हैं, मरे हुए जो लोग होते हैं ना, उनको उसमें डाला जाता था। ठीक है, कंटेनर टाइप का होता है, इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए पॉलीथिलीन। ठीक है, पॉलीथिलीन टैरिफ थलेट, ये क्या है भैया? देखिए ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है वर्ल्ड का। ठीक है, तो याद रख लेना कि ये है क्या, बस सिर्फ, और ये रिसाइकलेबल भी है बिल्कुल। ठीक है, और दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है, दिल्ली का मतलब इंडिया का अपना वाला दिल्ली जो है, दिल्ली का मलबा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना कि मलबा प्रोजेक्ट रिसेंटली चर्चा में था, तो कौन से क्या स्टेट का कहाँ का क्या था तो याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री साहब विजिट करते हैं साइंस सिटी इन अहमदाबाद गुजरात के यहाँ। आप देखिए ये देख के ये मत सोच लेना कि भारत का साइंस सिटी जो है वो अहमदाबाद है, गुजरात है, बिल्कुल भी नहीं है जी। कई बार देखिए ऐसा होता है, हर स्टेट में आपको साइंस सिटी वहां का दिखाई देगा। जैसे कि अगर मेनली भारत की बात करें तो बेंगलुरु को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, कोलकाता में भी देखने को मिलेगा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रामदुर्ग फोर्ट के बारे में, कर्नाटका में है ये। नेक्स्ट देखिए काफी चर्चा में बना रहता है सेवन सिस्टर स्टेट, तो कंफ्यूज मत होना और पता होना चाहिए कि सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, आसाम आता है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रख लेना, आने वाले बैंकिंग एसएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अमाउंट, जो पैसा दिया जाता है वो 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे और इस बार किसको ये अवार्ड मिलता है? वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाता है बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, बिल्कुल ये इसको लेके आते हैं। ठीक है, अवार्ड को, और ये सिनेमा फील्ड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और मेनली इसका थीम होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी, तो भाई याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सरना कोड के बारे में। सरना कोड किस चीज से संबंधित है? देखिए ये ट्राइब्स के जो राइट्स वाइट्स हैं इन सब चीजों से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा गया था झारखंड के सीएम साहब के द्वारा, तो भाई बस ये याद रख लेना कि कौन से स्टेट से संबंधित है और मेनली किस चीज से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, बिहार में पड़ता है भाई। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी अप्रूवल की जरूरत है बिल्कुल और फिर ये बन जाए नेशनल टाइगर रिजर्व, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन पता होना चाहिए कहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरीवन इज अ हीरो, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है 2024 ऑस्कर के लिए। ठीक है, मलयालम मूवी है, क्लाइमेट चेंज मेनली इसका थीम है, तो बिल्कुल देखना चाहो तो देखना चाहिए ऐसी मूवी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्टडी आती है उसमें बताया जाता है कि जो साल्ट इंटेक है ना, जो आप नमक खाते हो इंडिया में, वो 8 ग्राम ए डे है, लेकिन WHO रिकमेंड करता है कि 5 ग्राम डेली खाएं आप, ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा से संबंधित एक एडिटोरियल आर्टिकल, खुद से पढ़ लेना बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छी नॉलेज मिलेगी। फिर है कि जो टाइगर है वो मर रहे हैं नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे, तो क्या कुछ कारण है इन चीज़ों का, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन से संबंधित एडिटोरियल आर्टिकल है, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, नो नीड टू वरी। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव अ सनडे।